Assalamualaikum everyone, I hope you all are good. आज की वीडियो में आई एम टेकिंग यू गाइज टू द पैकेजेस मॉल. वहाँ से मुझे कुछ थोड़ा सा काम था, कुछ मैंने विंडो शॉपिंग की, कुछ एक्चुअल शॉपिंग की. आई बॉट अ फ्यू थिंग्स और इस वीडियो के एंड पे बल्कि मिड से हॉल शुरू हो जाता है कि जो चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं लेकिन आपने इसके बिल्कुल नहीं करना. वॉच इट टिल दी एंड टू गेट एन इनसाइट कि भाई कहाँ कहाँ सेल्स लगी हुई हैं और क्या क्या चल रहा है. अच्छा जी, पैकेजेस मॉल में कैराफोर के अंदर ये मेकअप एंड स्किन केयर का आयल है. वहाँ से कुछ चीज़ें चाहिए थी, एक फेस वॉश चाहिए था, कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स चाहिए थे. आई वॉज काइंड ऑफ होपिंग कि सेल लगी हुई हो, लेकिन यहाँ पे जो है वो सेल नहीं थी. लेकिन मेरी बहन को बहुत ज़ोर से चीज़ें आई हुई थी तो उसने फ़ौरन ख़रीद ली. उसने बोला बस ठीक है. उसको फेस पाउडर चाहिए था और ये फ्रेश पीस था जिसको मैंने गलती से स्वॉच कर दिया. फिर आई हैड टू बाय इट, मतलब नॉट मी, माय सिस्टर. आई बॉट दिस फेस वॉश जो कि मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आया क्योंकि ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा इसके अंदर सेंट डाली हुई है. इसका एक्नी वॉश बहुत अच्छा है और सैलिसिलिक एसिड वाला भी बहुत अच्छा है. उसके बाद फिर हम डॉलर स्टोर चले गए और डॉलर स्टोर का पूरा हॉल, पूरी वीडियो और हॉल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी अगर आप इंटरेस्टेड हैं देखने के लिए. तो मुझे वहाँ से कुछ चीज़ें चाहिए थी. ये जो है पुरानी वीडियो है, इसके अंदर मैंने ये दो बास्केट्स ख़रीदी थी, दो नहीं बल्कि तीन थी ये बास्केट्स. तो ये अम्मी को बहुत पसंद आई थी, उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ी सी और ला दो एंड आई वाज लाइक श्योर व्हाई नॉट. तो जब हम लोग वहाँ पे गए डॉलर स्टोर में, पहली बात तो ये है कि वहाँ पर रश जो है ना वो इतना कोई रश होता ना, ऐसा लगता है जैसे आपको मुफ्त की चीज़ें मिल रही हैं. तो लेकिन जब मैं वहाँ गई तो रंग बिरंगी टोकरियाँ पड़ी हुई थी, लेकिन जो वो वाली थी ना बास्केट वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी. काफ़ी ढूंढा, काफ़ी सारे आयल्स देख लिए, जहाँ से ये पकड़ी थी वो भी देख लिए, लेकिन ये वाली टोकरियाँ वहाँ पे पड़ी हुई थी, लेकिन वो जो उन्होंने मंगवाई थी ना वो नहीं पड़ी हुई थी. अब ये जो है ना, ये इट वॉज़ वे टू बिग और बहुत बड़ी थी, लाइक बहुत बल्कि थी, तो इसने बहुत सारी जगह घेर लेनी थी. ये वाली बास्केट भी उनको पसंद आ सकती थी, लेकिन इस ये भी उसका भी यही मसला था, इसको रखना कहाँ पे था. उसके बाद फिर हम लोग ने थोड़ी सी मग्स शॉपिंग की. ये वाला मग मुझे बहुत क्यूट लग रहा था और मेरी बहन को ये वाला मग बहुत क्यूट लग रहा था, लेकिन कुछ मसला था इसके अंदर. क्वालिटी किसी अच्छी होती है, किसी नहीं होती. अच्छा, फिर ये वाले मग्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे वहाँ पे, मतलब कि मुझे वाइट कलर की जो भी सिरामिक्स की चीज़ें ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. तो ये कप्स मुझे बहुत पसंद है ना, क्या बोल रही हूँ यार, ये मुझे बहुत पसंद आए एंड आई वाज लाइक बस ये चीज़ यही ख़रीदना है मैंने, और अम्मी वुड बी रियली रियली हैप्पी एंड वेरी प्राउड ऑफ मी. बस ये ख़रीद देती हूँ. उसने मुझे पकड़ा दिया कप और यहाँ पे अभी मैं बस गिराने ही लगी थी. अब मेरा जो है ना एक्सप्रेशंस चेक करिएगा यहाँ पे. यार इमेजिन अगर ये गिर जाता तो क्या होता, मुझे पे करना पड़ना था. एनीवेज, उसके बाद फिर भी बहन को जो है वो लिप्टन चाहिए था, लेकिन मैंने उसको सख्ती से मना किया कि भाई यहाँ से मत ख़रीदना, क्योंकि हर बंदा यहाँ से जो है वो चीज़ें स्वॉच कर रहा होता है, हाथ पे लगा लगा के देख रहे होते हैं सारे. तो मत ख़रीदना कोई सील पैक चीज़ हो ना तो वो बंदा ले लेता है. तो वो फिर देखती रही क्योंकि उसको कुछ चीज़ें चाहिए थी और वो मेकअप देखे तो इंसान वैसे ही पागल हो जाता है ना. उसको उसके बाद उसके ये डोडो गर्ल एक ब्रांड है, ओरिजिनल ब्रांड है कोई, ठीक है, उसका एक ब्लश उसको नज़र आ गया और शी इज़ वेरी मच इनटू ब्लशेस. तो शी वाज लाइक यार ये कलर बहुत प्यारा है और ये आइज़ के ऊपर लगा हुआ भी बड़ा अच्छा लगेगा और ब्लश भी बहुत अच्छा लगेगा. एंड शी वाज लाइक यार ये टिंट्स भी बहुत प्यारे हैं. उसके बाद जो ये तीन चार चीज़ें थी जो मैंने ख़रीदी, उसके बाद फिर इसके साथ ही जो है वो प्राइस लैंड है डॉलर स्टोर में. पैकेजेस मॉल के अंदर डॉलर स्टोर है और इसके साथ ही प्राइस लैंड है. वहाँ पे मुझे ये क्रॉक्स नज़र आए जो कि सफ़िया नायगार्ड जो है वो इस तरह की वीडियोस बनाती होती है जिसमें उसने जनाब एक बहुत बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म हील्स पहन ली, तो ये पहन लिया, वो पहन लिया, वो वाली वाइब आ रही थी मुझे. अच्छा यार यहाँ पर जो है ना चीज़ें बहुत प्यारी पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने कुछ ख़रीदा नहीं. आई वाज लाइक यार व्हाटएवर. अच्छा, उसके बाद जो है वो फिर हम अलमास चले गए. अलमास के ऊपर बहुत मज़ेदार किस्म की सेल लगी हुई थी, फ्लैट 40, सारे जूतों के ऊपर फ्लैट 40 लगा हुआ था. और गलती से मुझे जो भी अच्छा लग रहा था ना वो न्यू अरावल्स में से लग रहा था. तो ये लोग बहुत चलाक होते हैं कि लोग जो है ना वो मिक्स मिक्स करके तो न्यू अरावल में से भी चीज़ें ले जाते हैं, लोगों को पता नहीं चलता. वैसे भी लोगों के पास बहुत पैसा है जनाब, कोई मसले वाली बात ही नहीं है. अच्छा, ये वाले जूते मैं
क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं, तो मुझसे जो है वो इस तरह का कुछ चाहिए था, लेकिन इसकी हील्स थी ब्लॉक, पता नहीं इसको क्या कहते हैं हम, ब्लॉक हील्स तो नहीं कहते इसको, क्या कहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताया था कि ये वाला मुझे बहुत ही शदीद किस्म का अच्छा लग रहा था। लेकिन मैंने अलमास से ही लास्ट ईयर ये ख़रीदा था, इसी तरह का सेम ना, इसी स्टफ़ का, लेकिन वो आप समझ लें कि मैंने सिर्फ एक दफ़ा पहना होगा उसका, तो ये फैब्रिक था ना, ये इसके ऊपर वेलवेट टाइप कुछ लगा होता है, ठीक है, तो वो फैब्रिक ख़राब हुआ, उसके बाद मैं उसको साफ़ कर करके मर गई, लेकिन वो नहीं साफ़ हुआ और मुझे वो देना पड़ा जूता। तो मैंने कहा यार ये तो फिर एक गलती हो गई कि अगर मैं दोबारा वही स्टफ़ ले लूँगी तो फ़र्क कराओ। उसके बाद मुझे जूता चाहिए था, मतलब घर पे जैसे नॉर्मल चप्पल होती है ना, वो मेरे पास नहीं है कोई इतनी ख़ास पड़ी हुई, मैंने सोचा कि चलो मैं चप्पल ले लेती हूँ, तो असल में लेने मैं वही गई थी। अच्छा ये वाला जो जूता है ना, ये भी न्यू अरावल में से था, और ये वो था, ये वाला तो बहुत ही सॉफ्ट था, बहुत मज़े का जूता था, लेकिन ये भी न्यू अरावल में से था, और मैं चाह रही थी कि कोई यार फ्लैट 40 जिसके ऊपर होना, ताकि मेरी रूह को सुकून आ जाए कि मैंने ऑफ में से लिया है। ऐसा ये वाला जूता पैनामा कोई शदीद किस्म का प्यारा लग रहा था, लेकिन वही बात है, मैंने कहा यार कुछ और देख लेते हैं, पर सर रश इतना था, इतना शदीद किस्म का रश था वहाँ पे, और यार लोग भी सही निकले हुए हैं कि क्या करें अब, सर्दियों की आगे सर्दियाँ आ रही हैं, पम्प्स वगैरह सारे लोग बड़े शौक से ख़रीद रहे थे, सर्दियों के जूते शूते इस तरह के, वो फरी से फजी से, बड़ा मज़ा आता है इस तरह के जूते पहने का, और मुझे वैसे भी चप्पल चाहिए थी, मैं वैसे भी चप्पल ढूंढ रही हूँ घर पहनने के लिए, क्योंकि ये जो मैं फ़्लिप फ्लॉप पहने होते हैं मैंने, मुझे इतने कोई बुरे लगते हैं ना, और उससे पाँव पर निशान भी बहुत बन जाते हैं। अच्छा फिर उसके बाद फिर हम रियोज चले गए। अगर आप लोग लाहौर में हैं और आपको रियोज का पता है ना, तो ये लिटरली गाइस ये तो ठगते हैं ना, सीरियसली मतलब फुल ठगते हैं। उसके बाद फिर एथनिक पे गुजरते गुजरते ऐसे चक्कर लगा, एथनिक पे चले गए, दो चार चीज़ें देखीं, क्लोथिंग हॉल में आप लोगों के साथ पिछली वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, बहुत सारे कपड़े ख़रीदे हुए हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूँगी। उसके बाद फिर बहुत लंबी लाइन थी कैरोफोर में, और फिर हमने जो है वो तकरीबन आधा पौना घंटा वहाँ पर लगाया। फिर हम घर आ गए, और अब मैं आप लोगों के साथ हॉल शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे होते हैं कि भाई आपने बहुत कम चीज़ें ख़रीदी हैं, या कुछ लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़रीद ली हैं। अच्छा जी ये मग्स लिए, तीन मग्स लिए थे, बहुत खूबसूरत इस दफ़ा पड़े हुए थे, क्योंकि डॉलर स्टोर पे होता ही है कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, मतलब एक दफ़ा जब एक स्टॉक ख़त्म होता है ना, तो वो स्टॉक दोबारा नहीं आता, तो इस वजह से मुझे तो अम्मी डांट रही थी कि ज़्यादा लेके आने थे तुमने, तुम तीन क्यों लेके आई हो। अच्छा अब जो है मैं इसको वॉश करूँगी, और इसके अंदर मैं कॉफ़ी बनाऊँगी अपनी मॉर्निंग कॉफ़ी, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि मुझे इस तरह के ना मग्स बहुत पसंद है, जो स्पेशली वाइट कलर के होते हैं, और वैसे भी बहुत प्यार है, मतलब बहुत क्यूट है, टिड्डू सा पेट निकला हुआ है इसका, क्यूटीज है वो। अच्छा जी उसके बाद मैंने ट्राईपॉड के लिए ये एक गैजेट लिया था। बेसिकली ये क्या होता है कि आप अपने ट्राईपॉड के ऊपर इसको आप लगा देते हैं, और इसके अंदर आप अपना जो कैमरा है ना, मतलब जो फ़ोन है आप उसको लगा के, तो आराम से आपकी रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो ट्राईपॉड मेरे पास पड़ा हुआ था, लेकिन इसका ये वाला जो पार्ट होता है ना, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है इसको क्या कहते हैं, लेकिन कुछ इस तरह से लगता है, और ये इसकी अटैचमेंट है, इसको इसके साथ जो है वो अटैच करके इसके ऊपर इसके अंदर जो है वो फ़ोन लगता है, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगी कि लग जाए, और ये लग गया था सक्सेसफुली, और इसके अंदर मेरा फ़ोन भी लग गया था, फ़ोन से मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग भी कर ली थी आगे के, जितने भी फुटेजेस आप देखेंगे वो मैंने सारे जो हैं फ़ोन इसके अंदर लगा के तो फिर रिकॉर्ड किए हुए थे, क्योंकि मेरे पास ट्राईपॉड जो है वो बहुत बड़ा है, बल्कि DSLR वाला ट्राईपॉड है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा हो रहा है कि पता नहीं हो रहा था कि पता नहीं लगता है या नहीं लगता, तो जो शॉपकीपर थे उन्होंने तो मुझे बोला था कि लग जाएगा, लेकिन आप ऐसा कि यार पता नहीं लगता है कि नहीं लगता, लेकिन थैंकफुली लग गया। अच्छा जी सबसे पहले तो ये मैंने ये जो सेल्फी स्टिक वाला जो भी इसको गैजेट सा कहता है वो मैंने लगा लिया है, इट्स वेरी कन्वीनियंट। अच्छा उसके बाद ये सबसे पहले ये वाली चप्पल थी जो अलमास से ख़रीदी थी, और इट वॉज़ वेरी वेरी चीप, और चीप का मतलब ये कि काफ़ी सस्ती मिल गई है ये, इसके ऊपर लिखा तो कुछ 900 टाइप कुछ लिखा हुआ था। अच्छा ये घर पहनने के लिए ली है, ऐसे रफ यूज़ करने के लिए, तो बहुत सॉफ्ट है ये, पहनने में बहुत ही शदीद किस्म की सॉफ्ट है।
अच्छा जी, ये पहना हुआ जूता कुछ इस तरह का लग रहा है और बहुत ही ये शदीद किस्म का सॉफ्ट है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मैंने पाँव में कुछ भी नहीं पहना हुआ। लाइट वेट है, मतलब बिल्कुल कॉटन जैसा ना, बहुत शदीद किस्म का प्यारा है। सो जी, उसके बाद आई गॉट दिस। अच्छा जी, जो पम्प्स मैंने लिए थे वो ये वाले थे, बहुत ही खूबसूरत किस्म का कलर है। मुझे ये कलर बहुत पसंद है, बहुत शदीद प्यारा कलर है। ये जो है ना, मुझे लगता है कि बेसिक कलर्स में आता है, तो ये आप बहुत सारे कलर्स के साथ आप इसको चला सकते हैं, स्पेशली अगर आपकी देसी वार्डरोब है उसके साथ तो ये बहुत प्यारा चल जाएगा। और मैंने गर्मियों में भी, सारी गर्मियाँ मैंने जो कुर्ता पहना है वो भी इसी कलर का था, मैंने सर्दियों के लिए भी जो लिया है वो भी इसी कलर का ले लिया है, तो आई एम लिटरली सो ऑब्सेस्ड विद दिस रस्ट या क्या, कौन सा ऑरेंज कहते हैं इसको, हाँ इस तरह का कोई कलर है। और ये भी बहुत सॉफ्ट है। तो बस ये कि पम्प्स के साथ मेरा ये इशू होता है क्योंकि मेरे पाँव जो हैं वो फुल साइज़ के हैं, फुल साइज़ मतलब कि मेरा 40 साइज़ है, तो आई एम अ टॉल गर्ल एंड पाँव भी बहुत लंबे हैं मेरे, तो जूता मुझे बहुत देख के ख़रीदना पड़ता है। मैं कभी भी ऑनलाइन जूता मंगवाने की गलती नहीं करती क्योंकि कहीं से भी जूता लग रहा हो ना तो फिर वो पहना नहीं जाता, तो ये बहुत अच्छा था, मज़े का था। अच्छा, उसके बाद मेरी बहन ने जो है वो कुछ ये वाली चीज़ें मंगवाई थी, ये फेस पाउडर उससे लिया था वहाँ से फिटमी का, जो कि जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि बहुत सारी जगहों के ऊपर मेबलिन के ऊपर फ्लैट 40 प्लस सील्स लगी हुई थी ना हर जगह जगह पे, लेकिन फिर वो डिलीवरी चार्जेस डाल के बात वहीं पर आ जाती है। तो ये वाला शेड था उसका जो मैं आपको बता रही थी कि स्वॉच कर लिया था फिर ख़रीदना पड़ गया, और लेकिन फिर भी मतलब इट वॉज़ अ गुड शेड मैच फॉर हर। यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि मैं आपको इसका शेड दिखा दूँ जो कि मुझे अभी भी नज़र नहीं आया, पता नहीं शायद आइवरी था या क्या था, अगर आपको नज़र आ रहा है तो प्लीज़ मुझे दिखाएं कह रही हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छा, उसके बाद जो है वो मस्कारा लिया था, ये वाला, ये मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये से लैशेज़ जो हैं वो बहुत मतलब बहुत फिट है उसके लिए, लैशेस के लिए, तो मैंने उसको रिकमेंड किया कि यार ये ले लो, और उसका ख़त्म हुआ हुआ था एंड शी वाज लाइक श्योर, उसने ये वाले ले लिया और शी इज़ प्रिटी हैप्पी विद दिस वन। एंड उसके बाद जो है ना, उसने जो मैंने आपको ब्लश दिखाया था, ब्लशर वहाँ से डॉलर स्टोर से, ये तो उसको जो है वो बहुत ही पसंद आया, उसने बोला कि आइज़ के ऊपर भी जो है वो लगा हुआ बहुत प्यारा लगेगा, तो ये वाकई ही बहुत, अभी मैं आपको स्वॉच इसका दिखाती हूँ, बहुत प्यारा है यार, मतलब ये आई डोंट नो, इट्स वेरी प्रिटी, इसकी जो शीन है, इसकी जो अंडरटोन है, पीच पिंक कुछ मज़ेदार सा कलर है और ग्लिटरी सा है, और मतलब बहुत मेरे ख्याल से आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है ये। अच्छा, मेरी बहन को ना ब्लशेस बहुत पसंद है, तो फिर मैं थोड़ा कैरड अवे हो गई थी, मैंने उसका मेकअप पाउच पकड़ा हुआ था, तो मैं आई गॉट कैरड अवे, फिर ये वाला ब्लश भी मुझे मिला वहाँ से, ये इसका कलर भी बहुत ही प्यारा था, बल्कि मैं उसको कह रही थी कि तुम्हारे पास पड़े हुए हैं तो फिर तुम ले क्यों रही हो, तुम और क्यों ख़रीद रही हो, एंड शी वाज लाइक यार ये वाला कलर तो नहीं है ना मेरे पास। अच्छा, फिर ये पिंक कलर भी बहुत प्यारा था, ये जो है ये कहाँ से है, इसका मैं पहले आपको स्वॉच दिखाती हूँ, ये भी बहुत खूबसूरत इसका स्वॉच था, पर ये मैट फिनिश में है, और ये है सफोरा से, सफोरा का कोई भी आप इसका स्क्रीन शॉट लेके इसको जूम करके देख लें, क्योंकि अभी मुझे बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो आप इसको जो है वो देख सकते हैं, बहुत अच्छा था ये भी। अच्छा, ये वाला जो है ना, इसको भी, ये भी सफोरा से है, और इसको भी जो है वो आप एज़ लिप एंड चीक स्टेन यूज़ कर सकते हैं, तो ये थोड़ा क्रीमी फॉर्म के अंदर है, तो इसको आप जो है वो अपनी स्किन के अंदर ब्लेंड आउट करेंगे तो बड़ी मज़े की ग्लास फिनिश आती है इसकी, बहुत खूबसूरत किस्म की। तो मैं बस थोड़ा सा कैरड अवे हुई थी, उसकी पुरानी चीज़ें नई नहीं हैं, तो बस उसके बाद आई वाज लाइक यार बस दैट्स इट। सो दिस वाज इट, आई होप यू गाइस एंजॉयड, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड अल्लाह हाफिज़।